देखिए कोई जबरदस्ती किसी को नहीं कर सकता, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, किसी को भी धर्म परिवर्तन का मतलब उसके मोहब्बत से आप कर सकते हैं, भाईचारा से कर सकते हैं, उसको समझ में आया तो कर सकते हैं। हम ही हमको मान लीजिए मैं राजपूत था, मैं हिंदू था राजपूत था, हमारे बुजुर्ग जो हम लोग आए यहाँ से बैसवाड़ा से आए, बैस ठाकुर थे हम लोग, हमारे पूर्वज जयराम से भगवान सिंह थे, दो लोग हमारे यहाँ आए, यहाँ लड़ाई छिड़ी, वो जीते, भगवान सिंह थे वो इस्लाम कबूल कर लिए, मुसलमान हो गए, जो खानदान हम लोगों का है बगल में, मेरा परिवार बगल में सरिया गांव है जहाँ खानदान है, जयराम सिंह खानदान है, हम दोनों लोग आज मिले, आना जाना सब कुछ है, तो सब मोहब्बत से होता है परिवर्तन। कोई जबरी हम ही है, लाख कोई पिस्टल थमा दे तो मैं धर्म परिवर्तन कर लूंगा, नहीं करूंगा। कार्रवाई भी हो रही है, कुछ लोग पकड़े भी गए हैं ना? पकड़े गए हैं तो सजा हो रहा है, कानून देख ही रहे हैं आप, जो कर रहे हैं बचेंगे, जब से आप करिएगा बचिएगा नहीं बचिएगा, इस सरकार में जो करेगा वो बचेगा नहीं, कानून सख्त सबके जो है बिहार और उसके लिए खड़ी है। सवाल जो कि जब से बिहार में इस तरह की आई है तब से ऐसा आरोप लग रहा है कि धर्म परिवर्तन ज्यादा हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए धर्म परिवर्तन अगर अपने आप से लोग करे कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसा कोई जबरदस्ती कराता है करता है, ये मैसेज मिलेगी मेरी सरकार में, वो बचेगा नहीं जेल जाएगा। बिहार में इस तरह की मामला आए तो जेल जाएगा, केस हुआ के लोग अभी जानते हैं, हम ही जानते हैं, वो नहीं बचेंगे निश्चित तौर पर। तो कितनों बड़ा मजबूत आदमी हो, कितनों बड़ा आदमी हो, अगर धर्म परिवर्तन कोई भी मामला में गलत गड़बड़ करेगा इस बिहार में मेरे सरकार में नहीं बचेगा, आप भी जानते हैं, आपने जमाना देखा होगा, मान्य मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री लालू जी का, कि जो जमाना से आज कितना अंतर है, उस समय लोगों राइफल और लाठी का शौक था, आज कलम का शौक है, आज हथियार नहीं चल रहा, पहले जिस कमरे में लोग जाते थे, जिस मकान में जाते थे वो कब्जा हो जाता था, आज कोई माई का लाल कब्जा नहीं कर सकता है, आप जानते हैं सरकार में।